हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है HTML की सीरीज और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML लेक्चर 1। शुरू करते हैं। HTML फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ जाता है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से है कि मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कर लिया, लाइक तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, एक मार्कअप लैंग्वेज करी है आपने। क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जिनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। लाइक अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा, जैसे सी प्लस प्लस में और सी में, जावा में इफ लूप, फॉर लूप वगैरह वगैरह, इस तरह की काफ़ी लूप होती हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं लैंग्वेजेस की। लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता कि मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करा सकूं या नहीं करा सकूं, उसे ये पावर नहीं होती। वो उसके सामने जो कोड आएगा वो उसे रन कराना ही पड़ेगा। HTML की जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, जो नोटपैड में बनाई जाती है या किसी भी और आप टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं। इस फाइल को सेव किया जाता है .HTML या फिर .HTML एक्सटेंशन से। HTML फाइल किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखी जा सकती है, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ब्रैकेट, एटम। बात करते हैं HTML की कोडिंग के बारे में। तो HTML का जो कोड लिखा जाता है वो HTML और टैग्स के बीच में लिखा जाता है। ये HTML का ओपन टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। HTML के ओपन और क्लोजिंग टैग से क्या फर्क पड़ता है? ब्राउज़र को ये टैग्स बताते हैं कि इन दो टैग्स के बीच में ही HTML का सारा कोड लिखा हुआ है। हम जिस कोड को रन कराना चाहते हैं वो सारा कोड इन दो HTML टैग्स के बीच में लिखा हुआ है। सेकंड है बॉडी। बॉडी टैग के अंदर हम वो सारा आइटम्स लिखते हैं जो आइटम्स हमें अपने वेब पेज पर प्रिंट करवाना है या शो करवाना है। वो सारे आइटम्स हम उसके अंदर कोड करते हैं। अब देखते हैं एक प्रोग्राम को रन कराकर कि ये सब वर्क होता कैसा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने नोटपैड ऑन कर लिया है और यहाँ कर लिखते हैं प्रोग्राम अपना हम HTML, HTML टैग क्लोज HTML। यहाँ करते हैं अपना बॉडी टैग स्टार्ट, हम BODY बॉडी, और ये बॉडी टैग हमने करा क्लोज, बॉडी टैग क्लोज कर दिया। और इस बॉडी टैग के बीच में लिखते हैं अपना नाम DEE, डी डबल, अबे यार, दीपक, दीपक शर्मा। बस फ्रेंड्स, एक छोटी सी फाइल हमारी बन चुकी है। हमने इतना कोड लिखा, एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। Ctrl+S से मैंने सेव कराया इसे। लेक्चर 1 के नाम से ऑलरेडी सेव था, मैं इसे फिर से सेव करता हूँ आपके सामने। सेव एज कर लेक्चर 1 .HTML नाम से सेव करेंगे। मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, lecture1.html। लेक्चर 1 के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद आपको HTML लिखना है ताकि ब्राउजर को पता चल सके कि ये एक HTML फाइल है। एंड देन सेव, दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस कर दी हमने। एंड देन मिनिमाइज कर दिया और ये हमारी फाइल यहाँ पर है। और हम इसे रन कराते हैं ओपन विद गूगल क्रोम में। ये हमारी फाइल रन हो गई और यहाँ लिखा आया है, देखिए, दीपक शर्मा। ये हमारी फाइल का एड्रेस है जहाँ हमारी फाइल कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है, अपने PC के अंदर रखी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, लाइक मैंने ये वेबसाइट खोली, तो ये एड्रेस जो है ये वो एड्रेस है जहाँ पर ये वेबसाइट सर्वर के अंदर रखी हुई है, जहाँ पर ये वेब पेज सर्वर के अंदर रखा हुआ है। ये इसका कंप्लीट एड्रेस है उसका। आप ऐसा कोई पेज खोलेंगे, लाइक मैंने ये विकीपीडिया खोला तो विकीपीडिया का, फेसबुक खोलूँगा फेसबुक का, हर किसी का एड्रेस होता है कि जो सर्वर पर कहाँ रखी है। तो ये इस तरीके से हमारा लोकल एड्रेस है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये फाइल कहाँ रखी है। lecture1.html, lecture1.html के नाम से मैंने फाइल को सेव करा था, इसलिए टाइटल में lecture1.html दिखा रहा है। फ्रेंड्स, lecture2 में हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हम अपने मनचाहे नाम ला सकते हैं जिसे हम टाइटल कहते हैं।
और ये अगला होगा हमारा टाइटल टैग। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम टाइटल टैग के बारे में, जिससे यहाँ पर हम नाम ला सकते हैं और अपना मनचाहा यहाँ पे फाइल को अपनी को हेडिंग दे सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।